Good morning, students. Let us continue with our story, The Night Train at Deoli. अभी तक जो हमने किया कि राइटर देहरादून की तरफ जा रहा था समर वेकेशन में, देवली स्टेशन आया और फॉर द फर्स्ट टाइम ही सॉ समथिंग अनयूजुअल एट दिस स्टेशन. इस विजिट में उसने पहली बार देखा कि एक लड़की बास्केट्स बेचती हुई आ रही है और उस लड़की का डिस्क्रिप्शन हमने देखा था दैट शी वॉज अ यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विद डिग्निटी. द हर स्किन वॉज पेल एंड इट वॉज सेट ऑफ बाई शाइनी ब्लैक हेयर एंड हर आईज वर डार्क ट्रबल्ड सर्चिंग एंड इलोक्वेंट. और डोज Searching and eloquent eyes met mine. मेरी आंखों से मिली. She stood by my window for some time and neither of us said anything. वो कुछ देर तक तो मेरी विंडो पर खड़ी रही और हम में से दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोला. But when she moved on, I found myself leaving my seat and going to the carriage door and stood waiting on the platform. लेकिन जब वो आगे बढ़ी तब मैंने देखा कि मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया हूँ और डिब्बे के डोर तक पहुँच गया हूँ, कैरिज डोर तक पहुँच गया हूँ और प्लेटफॉर्म पर उतर गया, वहाँ पर खड़ा था. लुकिंग द अदर वे, दूसरी तरफ देख रहा था कि जब हम लोग आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे तब कोई किसी ने नहीं बोला और वो लड़की आगे बढ़ गई और उसके बाद इमिजिएटली मैं अपने जो जिस डिब्बे में बैठा था उसके डोर तक पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर उतर गया और वहां पर दूसरी तरफ देखते हुए खड़ा रहा. आई वॉक्ड अक्रॉस टू द टी स्टॉल. मैं चलकर टी स्टॉल पर पहुंचा. अ केटल वॉज बॉइलिंग ओवर ऑन ए स्मॉल फायर बट द ओनर ऑफ द स्टॉल वॉज बिजी सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन. उस टी स्टॉल पर एक केटल में कुछ उबल रहा था हल्की आंच पर ऑन ए स्मॉल फायर, लेकिन जो टी स्टॉल का मालिक था वो ट्रेन में कहीं जो यात्री लोग हैं उन लोगों को चाय वगैरह देने में बिजी था. द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल. तो वहीं स्टॉल पर पीछे पीछे वो लड़की भी आ गई. डू यू वॉन्ट टू बाई अ बास्केट, शी आस्क्ड. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन. लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें कोई टोकरी खरीदनी है? बहुत स्ट्रोंग है और बहुत अच्छे केन बेंत की बनी हुई है. बीच में ही मैंने बोल दिया, इससे आगे वो कुछ और बोले. नो, आई सेड आई डोंट वांट अ बास्केट. नहीं, मुझे कोई बास्केट नहीं चाहिए. वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर व्हाट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम. हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और ऐसा लगा कि बहुत लंबा टाइम हो गया है एक दूसरे को देखते हुए. एंड शी सेड आर यू श्योर यू डोंट वांट अ बास्केट. वो फिर से बोली कि आपको यकीन है कि आप सच में कोई बास्केट आपको नहीं लेनी है. ऑल राइट, गिव मी वन, आई सेड. मैंने बोला ठीक है, चलो मुझे एक बास्केट दे दो. एंड आई टुक द वन ऑन टॉप एंड गेव हर अ रूपी. और मैंने जो सबसे ऊपर जो एक बास्केट थी उसको लिया. गेव हर अ रुपी, उसे एक रुपया दिया. हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स. और रुपया उसको देते हुए, पैसे उसको देते हुए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पा रहा था कि मैं पैसे देते वक्त उसकी फिंगर्स को छू लूं. एज शी वॉज अबाउट टू स्पीक द गार्ड ब्लू हिज विसल. और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली हुई गार्ड ने अपनी विसल बजा दी. शी सेड समथिंग बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लैंगिंग ऑफ द बेल एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन. उसने कुछ कहा तो था लेकिन वो क्लैंगिंग ऑफ द बेल, बेल की जो आवाज थी उसके अंदर, और हिसिंग ऑफ द इंजन, और इंजन की जो हिसिंग की साउंड थी उसके बीच में वो सब कुछ गुम हो गया. पता ही नहीं चला वो क्या बोली. I had to run back to my compartment. और मुझे दौड़कर अपने कंपार्टमेंट में जाना पड़ा. The carriage shuddered and jolted forward. और जो बॉक्स था वो हिला, झटके के साथ में आगे की तरफ बढ़ा.
जैसे कि ट्रेन में होता है, स्टॉप ट्रेन होती है, उसके बाद में चलती है, तो एक झटके के साथ, एक जर्क के साथ आगे की तरफ मूव होती है। आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म खिसकता जा रहा था पीछे, आई वॉच्ड हर, मैं उसे देखता रहा था। शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शी डिडंट मूव। वो वहाँ प्लेटफॉर्म पर अकेली ही खड़ी थी। हमने पहले भी किया था कि प्लेटफॉर्म पे कोई आता जाता नहीं था, तो फर्स्ट टाइम ये लड़की मिली थी। और जब मैं ट्रेन आगे की तरफ बढ़ी, मैं ट्रेन में चला गया, लेकिन मैं उसे देखता रहा जब तक कि वो मुझे दिखती रही। वो भी वहाँ खड़ी रही। शी डिड नॉट मूव, बिल्कुल वहाँ से गई नहीं, बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग। पर वो मुझे देख रही थी और स्माइल भी कर रही थी। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे एंड द जंगल हिड द स्टेशन। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि एक सिग्नल बॉक्स बीच में नहीं आ गया, रास्ते के बीच में, और जंगल ने भी स्टेशन को ढांप लिया, ढक दिया, छुपा लिया, कि जहां तक, जितनी दूर तक हो सकता था, मैं उसे देखता रहा। बाद में एक सिग्नल बॉक्स बीच में आ गया और स्टेशन भी जंगलों के बीच में छुप सा गया। बट आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन। फिर भी मुझे इतना दिख रहा था कि वो वहां पर अकेली खड़ी है। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। हमने किया था कि ट्रेन वहां पर सुबह 5 बजे पहुंचा करती थी, 10 मिनट का हॉल्ट लेती थी, यानी सुबह सुबह का टाइम था। लेकिन आगे की जर्नी के लिए आई सेट अप अवेक, मैं जागता ही बैठा रहा। आगे की जर्नी जितनी भी थी, 30 माइल्स अवे थी, मैं जागा हुआ बैठा रहा। आई कुड नॉट रिड माई माइंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स फेस एंड हर डार्क स्मोल्डरिंग आईज। मैं अपने दिमाग से उस लड़की के चेहरे और उसकी काली स्मोल्डरिंग से, यहाँ पर मतलब है टू फील वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट यू डू नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, कि बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरी हुई आंखें, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, इस प्रकार की उसकी आंखें। उनसे, उस तस्वीर से मेरा दिमाग छुटकारा नहीं पा रहा था। आई कुड नॉट रिड माई माइंड ऑफ, मैं अपने दिमाग में से उस लड़की के फेस और उसकी काली और वो ट्रबल्ड एक्सप्रेसिव आईज, उनकी तस्वीर को मैं नहीं निकाल पा रहा था। बट वेन आई रीच देहरा द इंसिडेंट बिकेम ब्लर्ड एंड डिस्टेंट। लेकिन जब मैं देहरा पहुंचा अपनी ग्रैंडमा के घर, तो ये जो घटना थी, इट बिकेम ब्लर्ड, थोड़ी धुंधला सी गई, एंड डिस्टेंट मतलब दूर की सी हो गई। दैट मीन्स कि मुझे उतना, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था, इतनी ज़्यादा याद नहीं रही। फॉर देयर वर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माई माइंड, क्योंकि और बहुत सी चीज़ें थी जिनमें मेरा दिमाग बिजी हो गया था। इट वॉज ओनली वेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 मंथ्स लेटर दैट आई रिमेम्बर्ड द गर्ल। और ये 2 महीनों के बाद में, जब मुझे अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी थी, तब मुझे वापस उस लड़की की याद आई। केवल तभी मुझे उसकी याद आई। इट वॉज ओनली वेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 मंथ्स लेटर दैट आई रिमेम्बर द गर्ल। और क्योंकि मेरा माइंड और चीज़ों में बिजी हो गया था देहरा में, मैं उसे लगभग भूल गया था। केवल जब 2 महीने बाद मुझे वापस अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी थी, तब मुझे उस लड़की की फिर से याद आई। अब मैं वापस अपनी रिटर्न जर्नी में था 2 महीने के बाद में, समर वेकेशंस के बाद में। ट्रेन वैसे ही देवली स्टेशन पर रुकी। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर एज द ट्रेन ड्रू इन टू द स्टेशन। जैसे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर, मैं बाहर देख रहा था, उसी को ढूंढ रहा था विंडो से। एंड आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल व्हेन आई सॉ हर वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म। और मुझे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित थ्रिल, रोमांच, खुशी महसूस हुई जब मैंने उसे देखा कि वो प्लेटफॉर्म पर चली आ रही है।
आई स्प्रैंग ऑफ द फुटबोर्ड एंड वेव्ड टू हर। मैं जंप करके उठा, उछल के फुटबोर्ड पर पहुंचा एंड वेव्ड टू हर, और उसे उसकी तरफ मैंने हाथ हिलाया। When she saw me, she smiled. और जब उस लड़की ने मुझे देखा तो वो भी मुस्कुराई। ये पहली से दूसरी मुलाकात के बीच में 2 महीने का वक्त था, but she was pleased that I remembered her and I was pleased that she remembered me. वो खुश थी कि मैंने उसे याद रखा और मैं इसलिए खुश था कि उसने मुझे याद रखा। We were both pleased. हम दोनों ही बहुत खुश थे and it was almost like a meeting of old friends. और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पुराने दोस्त मित्र मिल रही हूँ। She did not go down the length of the train selling baskets, but came straight to the tea stall. अब वो टोकरियाँ बेचती हुई ट्रेन की पूरी लेंथ तक नहीं जाकर डायरेक्टली टी स्टॉल पर आ गई। Her dark eyes were suddenly filled with light. और मुझे देखकर उसकी वो जो काली काली आंखें थी वो एकदम से चमक उठी। We said nothing for some time, but we couldn't have been more eloquent. हम कुछ देर तक तो एक दूसरे के साथ में कुछ भी नहीं बोले, लेकिन इससे ज़्यादा हम और एक्सप्रेसिव भी नहीं हो सकते थे। मतलब बिना कुछ बोले भी हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत कुछ एक्सप्रेस किया, बहुत कुछ व्यक्त कर दिया बिना शब्दों के ही। I felt the impulse to put her on the train there and then. Impulse is sudden strong feeling. कि मेरे दिमाग में एकदम से sudden और strong feeling आई कि मैं उसे उसी वक्त train there and then means उसी वक्त train पर ले चलूँ and take her away with me और मेरे साथ उसे ले जाऊँ। I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of Deoli station. I couldn't bear the thought. मुझसे ये विचार ही, ये सोचना भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि उसे मैं देवली स्टेशन में पीछे छूटता हुआ देखता रहूं, कि मैं तो आगे ट्रेन में बढ़ जाऊं और उसी तरह से वो मुझसे पीछे छूटती जाए देवली स्टेशन पर। ये सोचना भी, ये विचार भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आई टुक द बास्केट्स फ्रॉम हर हैंड, मैंने उसके हाथों से बास्केट्स ली एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड और उसे ज़मीन पर उनको रख दिया। शी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम, उसे लगा कि शायद मुझे कुछ खरीदनी है बास्केट, तो उसने एक टोकरी लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और इसे पकड़े रखा। I have to go to Delhi, I said. मैं बोला मुझे दिल्ली जाना है। She nodded. Nodded means हाँ में सर हिलाना। तो उसने सर हिलाया हाँ की मुद्रा में। I do not have to go anywhere, उसने बोला मुझे तो कहीं नहीं जाना है। The guard blew his whistle for the train to leave. अब इसी में टाइम निकल गया। गार्ड ने अपनी विसल बजाई, ट्रेन छूटने वाली थी। एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट, और उसी मोमेंट पर गार्ड ने जो सीटी बजाई, विसल बजाई, उसकी वजह से मुझे गार्ड पर बहुत नाराज़गी हुई। मुझे नफरत हुई उस गार्ड से कि जिस समय मैं उससे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा था उसी टाइम उसने ट्रेन के जाने की विसल बजा दी। आई विल कम अगेन, आई सेड, विल यू बी देयर, मैं उसे बोला मैं फिर से आऊँगा, तुम यहीं पर रहोगी, यहीं पे खड़ी मिलोगी। शी नोडेड अगेन, उसने फिर से हाँ में सर हिलाया। एंड एज शी नोडेड द बेल क्लैंग्ड एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड, और जैसे ही उसने सर हिलाया बेल की आवाज़ आई और ट्रेन आगे की तरफ खिसकने लगी। आई हैड टू रेंच माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन। रेंच मीन्स टू पुल और ट्विस्ट सडनली एंड वायलेंटली। क्योंकि ट्रेन अब खिसक रही थी आगे, इसलिए जो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उस लड़की का, वो मेरा हाथ मैंने बड़ी मुश्किल से पुल किया, अपने वापस लिया और मुझे ट्रेन की तरफ दौड़ना पड़ा। आई हैड टू रेंज माई हैंड अवे, मेरा मन नहीं था लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे अपना हाथ उससे खींचना पड़ा और चलती हुई ट्रेन की तरफ दौड़कर जाना पड़ा।